ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, साल 2023 में हरियाली तीज का व्रत कब रखा जाएगा, 18 अगस्त को या 19 अगस्त को, व्रत का समय क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, हरियाली तीज का महत्व क्या है, क्यों ये व्रत किया जाता है, पूजा विधि किस तरीके से करनी है, हरियाली तीज पर किन गलतियों से बचना चाहिए, क्या सुहागन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं, आज की इस वीडियो में इन सब बातों के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो अगर पसंद आए और आपको लगे कि आपको कोई जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करते चलिए। पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो और आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं हरियाली तीज का व्रत कब और कैसे किया जाता है। इस दिन पति की दीर्घायु के लिए सुहागन महिलाएं पूरा दिन व्रत रखती हैं, भगवान शिव महादेव के परिवार की पूजा अर्चना करती हैं। मान्यताओं के अनुसार ये दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के पुनर्मिलन का दिन होता है। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागन महिलाएं हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरियाली तीज का त्यौहार मनाती है। हरियाली तीज कब मनाई जाएगी, 18 या 19 अगस्त को। सनातन पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 18 अगस्त 2023 को रात 8:02 से शुरू होगी। अगले दिन 19 अगस्त 2023 को रात 10:19 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 19 अगस्त को तृतीया तिथि रहेगी। 19 अगस्त को ही हरियाली तीज का व्रत मनाया जाएगा। इसी दिन पूजा आराधना और व्रत किया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, हरियाली तीज के लिए पूजा सुबह 7:47 से लेकर 9:22 तक महिलाएं पूजन कर सकती है। इसके अलावा शाम के समय 6:52 से 7:45 तक का जो समय रहेगा वो भी पूजा के लिए शुभ रहेगा। पूजा के दौरान भगवान शिव माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए, उन्हें फल फूल मिठाई पुष्प जरूर अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज में भगवान शिव माता पार्वती की पूजा का विधान है। कहते हैं इस व्रत को करने से पति पत्नी के बीच में भगवान शिव और माँ गौरी जैसा प्रेम बना रहता है, उनका संबंध अटूट होता है। हरियाली तीज के दिन माँ पार्वती और भोले शंकर का पुनर्मिलन हुआ था। माता पार्वती ने भोले शंकर से शादी करने के लिए इस दिन कठिन तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के बाद ही भगवान शिव ने माँ गौरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि उस दिन थी, तो इसके बाद से इसी दिन हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। हरियाली तीज की पूजा विधि आपको किस तरीके से करनी है। दोस्तों, हरियाली तीज आपको 19 अगस्त को मनाया जाएगा, तो इस दिन महिलाओं को उपवास करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके शोला श्रृंगार उनको करना चाहिए। श्रृंगार में मेहंदी चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए और आप लाल या हरे रंग के कपड़े इस दिन पहन सकते हैं। शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना करें। अपने घर के मंदिर में घी का दिया जलाएं। कोशिश कीजिए भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्रों का जाप जरूर करें। साथ ही किसी भी स्त्री को सुहाग की सभी वस्तुएं दान करें और उनका आशीर्वाद लें। 16 श्रृंगार की सामग्री आप माता पार्वती को समर्पित करके इसके बाद किसी सुहागन महिलाओं को आप उनको दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हरियाली तीज पर कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए। महिलाओं को इस दिन काले और सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। महिलाओं को इस दिन लाल और हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। और साथ ही ध्यान रखें, यदि आप सुहाग की सामग्री खरीद रहे हैं तो ये दिन मंगलवार का नहीं होना चाहिए। मंगलवार के दिन श्रृंगार का सामान खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती है। चलिए अब जानते हैं सुहागन महिलाओं के साथ साथ क्या कुंवारी कन्याएं भी हरतालिका तीज के व्रत को कर सकती हैं। हरतालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाओं के साथ कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत जो होता है सबसे कठिन होता है। ये निराहार और निर्जला किया जाता है। इस दिन जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं और अगले दिन सुबह सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। महिलाएं 24 घंटे तक बिना अन्न और जल के हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस व्रत को कुंवारी लड़कियाँ, शादीशुदा महिलाएं कोई भी इस व्रत को रख सकती हैं। कुंवारी लड़कियाँ मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को जब कोई एक लड़की या महिला एक बार शुरू करती है तो साल में इस व्रत को पूरे नियम के साथ उसको करना चाहिए और इस व्रत को आप बीच में नहीं छोड़ सकते। हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इसमें अन्न और जल का त्याग किया जाता है। तीज की पूजा की रात में आप जो पूजा होती है वो रात के समय की जाती है और महिलाओं को अपने मन में शुद्ध विचार रखने चाहिए। किसी भी तरीके का बैर विचार, गलत विचार या पाप अपने मन में नहीं रखना चाहिए। किसी को कटु शब्द इस दिन नहीं बोलने चाहिए जब आप व्रत रखते हैं। भगवान शिव माता पार्वती का ध्यान लगाना चाहिए। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। सुबह सूर्योदय को जल देने के बाद, नहा धोकर सूर्योदय को जल अर्पण करने के बाद में व्रत का पारण आप कर सकते हैं। हरतालिका तीज का व्रत एक बार शुरू करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता, तो हर साल विधि विधान के साथ आपको इस व्रत को करना पड़ेगा। हरतालिका तीज के दिन अगर हो सकता है तो आप रात्रि में जागरण कर सकते हैं, रात्रि में भजन कीर्तन कर सकते हैं।
पूजा में माता पार्वती को जो सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है जिसमें मेहंदी होती है, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, ये सुहाग का 16 श्रृंगार का सामान, इसको आप माता पार्वती को समर्पित करके किसी सुहागन महिलाओं को दे सकती हैं। इस तरीके से करने से सुहागन महिलाओं के वैवाहिक जीवन जो होता है उसमें प्रेम बना रहता है, पति की आयु लंबी होती है और कुंवारी कन्या जब इस व्रत को करती हैं तो उन्हें अपना मन चाहा वर मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो फ्रेंड फैमिली के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मैं तो नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।